हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने वीवो T2X एंड्रॉइड मोबाइल फ़ोन में आप जो है नोटिफिकेशन रिंगटोन सेटिंग को अपना इनेबल कैसे कर सकते हैं, ठीक है। और ये नोटिफिकेशन रिंगटोन सेटिंग जो है इनेबल होने के बाद ही सेटिंग कैसे काम करती है, आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ। तो चलिए यहाँ पे वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले तो आपको अपने मोबाइल फ़ोन में सेटिंग पेज आपको ओपन करना है, ठीक है। सेटिंग पेज को ओपन कर लीजिए अपने मोबाइल फ़ोन में। सेटिंग पेज में आपको नीचे आना है, यहाँ पर आपको ये ऑप्शन मिलेगा साउंड एंड वाइब्रेशन, इसे आपको सेलेक्ट करना है, ठीक है। इसके बाद आपको अगले पेज में आपको नीचे आना है, यहाँ पर आपको ये ऑप्शन मिलेगा नोटिफिकेशन रिंगटोन, ठीक है। इस ऑप्शन को आपको सेलेक्ट करना है। अब यहाँ पर आपको जो है ना ये नोटिफिकेशन रिंगटोन के इस पेज में आपको ये ऑप्शन मिलेगा म्यूट म्यूट, ठीक है। म्यूट के सामने वाले सर्कल पे आपका टिक मार्क लगा होगा, यानी कि आपकी ये सेटिंग पहले से डिसेबल होगी। अब इस सेटिंग को इनेबल करने के लिए आपको करना क्या है, नीचे की साइड में आपको ये म्यूट के नीचे आपको काफ़ी सारी नोटिफिकेशन के रिंगटोन दे रखे, इनमें से आप जो है ना एक रिंगटोन आप सेलेक्ट कर लीजिए तो ये सेटिंग आपकी इनेबल हो जाएगी, ठीक है। इस तरीके से अगर आप जो है ना इसे ऊपर की साइड में कस्टम रिंगटोन पे सिलेक्ट करके इसमें से भी अगर आप कोई भी रिंगटोन सिलेक्ट करेंगे तो आपकी नोटिफिकेशन रिंगटोन सेटिंग तब भी इनेबल हो जाएगी, ठीक है। तो ये म्यूट के सामने वाले सर्कल से आपको बस खाली टिक मार्क हटाना है। तो इस तरीके से आपकी नोटिफिकेशन रिंगटोन सेटिंग इनेबल हो जाएगी। तो जब भी कोई नोटिफिकेशन आएगा तो आपका मोबाइल फोन जो है ना ये वाली रिंगटोन क्रिएट करेगा जो आपने सेलेक्ट की है। अब मैं आपको है ना इस सेटिंग को ढूंढने का एक शॉर्टकट तरीका बता देता हूँ आपके फोन में। इसके लिए आपको मोबाइल फोन का सेटिंग पेज फिर से ओपन करना है। सबसे ऊपर आपको ये सर्च आइकन का ऑप्शन सेलेक्ट करना है और यहाँ पर आपको सर्च बार में सेटिंग का नेम टाइप कर देना है आपको नोटिफिकेशन रिंगटोन। तो आपको नीचे की साइड ये नोटिफिकेशन रिंगटोन का ऑप्शन शो हो जाएगा। यहाँ पर आपको एक बात का ध्यान रखना है कि जब भी आप ये सर्च बार में सेटिंग का नेम आप टाइप करेंगे तो यहाँ पर आपको स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करनी है। अगर आप यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक करेंगे तो आपको नीचे ऑप्शन दिखाई नहीं देगा, इस बात का ध्यान रखना है। तो चलिए वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं। जब ये नोटिफिकेशन रिंगटोन ऑप्शन शो हो जाएगा ना, इसे आपको सेलेक्ट करना है। इससे क्या होता है, आपका मोबाइल फोन आपको डायरेक्टली सेटिंग में लेकर आ जाता है और इस सेटिंग को हाईलाइट करता है। तो ये मैंने आपको एक शॉर्टकट तरीका बता दिया इस सेटिंग को ढूंढने का।